Assalamu alaikum dear parents and students, hope you all will be fine and safe in home. Today I am going to start lecture number 3 of English B. Class K1, subject English B, lecture number 3, second term, bookwork, grammar tree book page number 17 to 19 and copy work, the gender. Lesson 16, A and N. Here are the letters of the alphabet again. यहाँ पर कुछ alphabetic letters दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं shape में. ये small letters हैं. Some of the letters have been printed in color. इनमें से कुछ letters ऐसे हैं जिनको red color से print किया गया है. Write the letters printed in color here. जो red color के कलर से प्रिंट किए गए हैं लेटर्स, उनको आपने इन ब्लैंक्स के अंदर राइट करना है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू. दीज फाइव लेटर्स आर कॉल्ड वोवल्स. ये पांच लेटर्स वोवल्स कहलाते हैं. लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो. आई, बोट, ऑरेंज, एप्पल, हॉर्स, आइस, मैंगो, अनियन, फ्लावर, अम्ब्रेला, ट्री, बैग. राइट द वर्ड्स बिगनिंग विद वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू इन द बॉक्स मार्क्ड 1. अब आपने करना ये है कि ऐसे वर्ड्स जो कि वोवल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, उनको आपने फर्स्ट कॉलम में राइट करना है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आई, ई वाई ई आई, ई इज अ वोवल लेटर, सो इट स्टार्ट विद वोवल लेटर, सो वी कैन राइट इन फर्स्ट कॉलम. बॉट, बी ओ ए टी, बॉट. It start with B. B is not a vowel letter, so we can write it in column 2. Write the words that do not begin with the vowels in the box mark 2. ऐसे words, ऐसे अल्फाज जो कि vowel letter से start नहीं होते हैं, उनको आपने column 2 के अंदर लिखना है. जैसे कि यहाँ पर I लिखा गया है, इसी तरह से यहाँ पर bought आएगा. ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज. ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ इज अ वोवल लेटर, सो वी कैन राइट इन फर्स्ट कॉलम. एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल. ए, ए इज ऑल्सो अ वोवल लेटर, सो वी कैन राइट इट इन फर्स्ट कॉलम. हॉर्स, हॉर्स इज स्टार्ट विद द एच, एच इज नॉट अ वोवल, सो वी कैन राइट इट इन कॉलम नंबर 2. आइस, आइस स्टार्ट विद आई, आई इज अ वोवल लेटर, सो वी कैन राइट इन कॉलम 1. मैंगो, इट स्टार्ट विद एम, एम इज नॉट अ वोवल लेटर, सो वी कैन राइट इट इन कॉलम नंबर 2. अनियन, अनियन इज स्टार्ट विद अ वोवल लेटर ओ, सो वी कैन राइट इट इन फर्स्ट कॉलम. फ्लावर, F is not a vowel letter, so we can write it in column number 2. Umbrella, umbrella. It start with U. U is also a vowel letter, so we can write it in first column. Tree, T is not a vowel letter, so we can write it in column number 2. Bag, it also start with a B. B is not a vowel letter, so we can write it in column number 2. अब आपने इस बुक को अच्छे से फिल करना है, बड़े प्यारे और ज्वाइनिंग राइटिंग में आपने इसको बड़े अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से इन कॉलम्स को फिल करना है. कंप्लीट द नेमिंग वर्ड्स बिलो द पिक्चर बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग वोवल्स. अब आपने करना यह है कि आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इन पिक्चर्स के नीचे आपको कुछ मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं, इनको आपने फिल करना है वोवल लेटर्स के साथ. जैसे कि आप देख सकते हैं बैट की स्पेल्स में बी ए टी,
ए इज अ ओवल वर्ड, इसको ओवल वर्ड से हमने फिल किया है। इसी तरह से हमने बाकी के सारे वर्ड्स भी, सारी मिसिंग लेटर्स जो हैं, मिसिंग वोवल्स जो हैं, उनको फिल करना है। सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग, एच ए टी हैट, बी ए डबल एल बॉल, सी ए आर कार, पी आई एन पिन, बी ई डी बैट, पी आई डबल एल ओ डब्ल्यू पिलो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू मिसिंग लेटर्स हैं, यानी कि टू वोवल मिसिंग लेटर हमने इसमें फिल करने हैं। पी ई एन पेन, सी आई एल सिल पेन सिल, सी एच ए आई आर चेयर, एस एच डबल ओ शू, बी ए एस के ई टी बास्केट, जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ। नाउ लुक एट दीज वर्ड्स, अब आप इन अल्फाज की तरफ देखें। पी ई एन पेन, बी ओ वाई बॉय, ई डबल जी एग, सी ए टी कैट, ओ डब्ल्यू एल ऑल। इनमें से बहुत से, इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हम वोवल लेटर से स्टार्ट किए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो वोवल लेटर से स्टार्ट नहीं किए गए। We say a pen, a boy, an egg, a cat, and all. We use and before a word which begins with a vowel. ऐसे words, यानी ऐसे अल्फाज जो के vowel letter से start होते हैं, उनके साथ हम and लगाएंगे, यानी एक बोलने के लिए हम उनके साथ and लगाएंगे। जबकि ऐसे words जो के vowel letter से start नहीं होते हैं, उनके साथ ए लगाएंगे, जो कि आ की साउंड देगा। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ और आपको मिसालें दी गई हैं, जैसे कि अ हैट, अ टेबल, अ फ्रेंड। अब आप देख सकते हैं हैट, टेबल और फ्रेंड ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वोवल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहे, इसलिए इनके साथ ए लगाया गया है। एन आंट, एन और, एन आइसक्रीम। अब आप देख सकते हैं कि एक ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ एन लगाया गया है। वी से ऑल राइट एन आर्ट बिकॉज इट बिगिंस विद ए, एन एग बिकॉज इट बिगिंस विद ई एंड ई इज अ वोवल लेटर, एन आइसक्रीम बिकॉज इट बिगिंस विद आई, आई के साथ एन लगाया गया है क्योंकि आई एक वोवल लेटर है, एन ऑनियन बिकॉज इट बिगिंस विद ओ, अनियन इस ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एक वोवल लेटर है इसलिए इसके साथ भी एन लगाया गया है। एन अम्ब्रेला बिकॉज इट बिगिंस विद यू, यू इज आल्सो अ वोवल लेटर सो वी कैन राइट एन विद अम्ब्रेला। फिल इन ईच ब्लैंक विद ए और एन, अब आपने इन तमाम ब्लैंक्स को ए और एन के साथ फिल करना है, यानी ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स जो के वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं उनके साथ आप एन लगाएंगे, जबकि ऐसे वर्ड्स जो के वोवल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं उनके साथ ए लगाएंगे और जो के आ की साउंड देगा। नंबर वन, अ डॉग, एन एप्पल, अ बॉल, एन ऑरेंज, एन ईयर, अ गॉड, एन अनियन। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने उन तमाम वर्ड्स जो के वोवल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ एन फिल किया है, जबकि ऐसे वर्ड्स जिनके जो के वोवल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं उनके साथ ए राइट किया है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इन तमाम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है अपनी बुक पे अच्छे से, नीट एंड क्लीन ज्वाइनिंग राइटिंग में। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, अब आपने इसी तरह से जैसे आपने ऊपर वाले ब्लैंक्स को फिल किया था, इसी तरह से ये सेंटेंसेस कुछ दिए गए हैं, इनको भी आपने इसी तरह से ब्लैंक्स को फिल करना है ए और एन के साथ। हैरी हैज डैश ऑल कॉल्ड हैडविग, हैरी के पास एक उल्लू है जिसका नाम हैडविग है। ऑल एक ऐसा वर्ड है जो कि
वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके साथ हम एन लगाएंगे। इसी तरह से आपने देखना है कि ब्लैंक से पहले वाले जो वर्ड्स हैं वो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं। अगर वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके साथ हम एन लगाएंगे, अगर वोवल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहे तो हम उसके साथ आ लगाएंगे। इसी तरह से आपने बाकी की तमाम फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है नीट एंड क्लीन तरीके से और ज्वाइनिंग राइटिंग से। ये बुक वर्क आप कंप्लीट करके रखेंगे क्योंकि ये किसी भी वक्त मंगवाया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं कॉपी वर्क की तरफ। कॉपी वर्क आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि हम क्लास में करते हैं। डेट और डे आपने मेंशन करना है। इसी तरह से आपने लिखना है द जेंडर, मैस्कुलिन फेमिनिन। जैसे कि हमने फर्स्ट टर्म में मैस्कुलिन फेमिनिन किए थे, इसी तरह से अब भी हम सेकेंड टर्म में मैस्कुलिन फेमिनिन करेंगे। मैस्कुलिन कहते हैं मेल नाउंस को और फेमिनिन कहते हैं फीमेल नाउंस को। नंबर वन हॉर्स मेयर, लॉर्ड लेडी, ऑक्स काउ, प्रिंस प्रिंसेस, लॉयन लॉयनेस, ही गॉट शी गॉट, सर्वेंट मेड, फ्रेंड फ्रेंड, डॉग बिच, नेफ्यू नीस। यहाँ फ्रेंड का फेमिनिन भी फ्रेंड इसलिए लिखा गया है क्योंकि फ्रेंड जो है वो मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, इसलिए हमने फ्रेंड का फेमिनिन भी फ्रेंड ही होता है। एक्टर एक्ट्रेस, ड्रेक डक, विजर्ड विच, मिस्टर मिसेस, पीकॉक पीहन। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपने इस काम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन ज्वाइनिंग राइटिंग में अपनी कॉपीज के ऊपर करना है। ये काम आपने कॉपी नंबर 3 के ऊपर करना है इंग्लिश बी का। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आपका होम टास्क यही है कि आपने बुक वर्क को अच्छे से लर्न भी करना है और अच्छे से राइट भी करना है। इसी तरह से आपने कॉपी वर्क को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन ज्वाइनिंग राइटिंग में आपने करना है और इसी तरह से आपने दरमियान में लाइन लगा के अलग अलग करके मैस्कुलिन फेमिनिन को लिखना है। आप अपना काम कॉपी वर्क और बुक वर्क कंप्लीट करके रखेंगे क्योंकि ये किसी भी वक्त आपका चेक करने के लिए मंगवाया जा सकता है। थैंक यू।